नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसआर टुडे। मैं हूं आकाशी रावत आपके साथ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जो लगातार लंबे समय से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा पार्ट वन और पार्ट टू का परीक्षा क्या लिया जाएगा। कुछ दिन पहले छात्रों के माइंड में ये असमंजस की स्थिति थी कि हमारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी अपने सख्त रवैये में है परीक्षा लेने को लेकर के, और इसको लेकर काफ़ी सारे छात्रों में आक्रोश है। कई छात्र नेता यूनिवर्सिटी जाकर के यूनिवर्सिटी के परिसर में आवेदन दिए हैं कि परीक्षा ना कराया जाए। कोरोना के कारण जो हालात बिहार में उत्पन्न हो रहे हैं उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं अब छात्रों को ऐसा जो लग रहा था कि हमारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के जो लगातार अपडेट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब छात्रों को पार्ट वन और पार्ट टू और पीजी के सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा देना होगा। उससे पहली बात आपको बताना चाहते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आप 11th और 12th का पढ़ाई कर सकते हैं कोर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छे जो सर हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस, और NIT और IIT का आप प्रिपरेशन वहां पे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहाँ से आप विजिट करके उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ दिनों पहले जो अपडेट आए थे उसके अकॉर्डिंग ये साफ साफ कहा गया था कि परीक्षा कराया जाएगा। आप इस पेपर का आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें साफ साफ ये बताया गया कि भ्रम में ना रहे छात्र, परीक्षा उन्हें देनी होगी। अब जैसे ये अपडेट आया वैसे ही छात्र और छात्र संगठन लगातार जो सोए हुए थे कि हमारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, वे अचानक से जाग गए और लगातार अब छात्र और छात्र संगठन जो है विश्वविद्यालय परिसर में आवेदन दे रहे हैं। कई पार्टियों के जो है, अभी तो चुनाव का समय है बिहार में, तो वे भी छात्रों को समर्थन कर रहे हैं कि परीक्षा आखिर इनका नहीं लिया जाना चाहिए, और छात्रों में काफ़ी इसको लेकर आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं अभी तक का जो अपडेट हमारे पास पहुँच गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा है उसके शेड्यूल की तैयारी किया जा रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से, और जैसे ही इसका ऑफिशियली शेड्यूल आएगा हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन परीक्षा छात्र नहीं देना चाहते हैं, लगातार इस परीक्षा का विरोध छात्र संगठन भी कर रहा है, लगातार छात्र संगठन आवेदन दे रहे हैं जो VC है उनको। तो ऐसे में क्या कुछ डिसीजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी लेती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डेट से तैयार किया जा रहा है, कभी भी ऑफिशियली रूप से जारी किया जाएगा, और ऐसे में जब प्रेशर दिया जा रहा है स्टूडेंट लीडर की तरफ से, तो क्या कुछ अपडेट आएगा ये जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको अगले अपडेट में सब कुछ क्लियरली बताएंगे। और अगर शेड्यूल जारी किया जाता है तो उसका ऑफिशियली अपडेट आपको हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो हमारे चैनल से जुड़िएगा। बिहार एजुकेशन से जुड़ा पल पल खबर जाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।